अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है चिकन टिक्का बाइट्स। उसके लिए मैंने छोटी छोटी बोटी की है। ये सिर्फ मैं लंच के लिए अभी बना के दे रही हूँ, रात में मैं बना रही हूँ, सुबह मैं लंच में इसे दे दूँगी। तो इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है, इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी, सिरका डालूंगी। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं। थोड़ा सा सोया सॉस, टिक्का मसाला इसमें जाएगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे स्पाइसेस, क्योंकि ये बच्चे खाएंगे तो इसलिए। फिर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बस इतना ज़्यादा हम मैरिनेट नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही छोटी बोटी है। और इसको बस हम थोड़ा 5 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। 5 मिनट हो गए हैं हमारे, अब हम इसमें 1 चम्मच घी का शामिल करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देसी घी इस्तेमाल करें, इस तरह वो शौक से भी खा लेंगे टिक्का, और देसी घी भी उनके लिए मुफीद है। अब हमें इस घी में एडिट हो चुका है, शामिल कर देंगे। इसमें हमने कोई दही ऐड नहीं की है, कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए हैं, जस्ट हमने मसाला टिक्का और काली मिर्च और नमक, सोया सॉस, सिरका डाल, इसके अलावा हमने कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। ये बहुत जल्दी बन के रेडी होगा, सबसे ज़्यादा बच्चे खुश होंगे आपके। और दरअसल बच्चों की पार्टी है स्कूल में, तो वो कह रहे थे कुछ अलग से होना चाहिए, तो साथ में मैक्रोनी भी मैं आप दे रही हूँ और ये भी दे रही हूँ। तो बस आप बनाइएगा, बच्चे खुश होकर खाएँगे और बड़ों का भी फेवरेट होता है। इसमें बस हम 1 घूंट पानी डाल के ढक के रख देंगे ताकि इसमें जो थोड़ी थोड़ी सी बोन्स लगी हुई हैं वहाँ तक का ये गल जाए। थोड़ा सा बस पानी ऐड करना है हमने। इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के, क्योंकि इसमें मसाले लगे हुए थे, और इसमें ये पानी डाल के थोड़ा सा हल्का चूल्हा करके, और मैं इसको ढक के रख देती हूँ। फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। इसका लिड उठा के देखते हैं, इसकी साइड्स चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह ये गल जाए इसी पानी में। अब थोड़ा सा और तेज़ चूल्हा कर देंगे और अब खोल के, ढक्कन खोल के इसको पकाएंगे। बस इसका पानी ड्राई कर लेंगे हम, थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेते हैं। बहुत प्यारी टिक्के की और देसी घी की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसका बिल्कुल पानी रह गया, अब हम इसमें थोड़ी सी मेयोनीज डाल देंगे, प्याज और शिमला, इसका टेस्ट इसमें आ जाएगा। सॉटे करना है हमें,
अब मैं आपको बताती हूँ आगे स्टेप क्या करना जी। अब हमने ग्रिल पैन लेना है, उसमें हल्का हल्का सा हमने बस ग्रीसिंग करनी है मेल्टेड बटर की। और ये मैंने स्टिक्स में कर दिया टिक्का, इसको बस हमने हल्का हल्का सा सेक लेना है। तो इसको असल में ऐसे बच्चों को करके देते हैं तो वो बहुत ही शौक से खाते हैं। और वेजिटेबल्स मैं इसमें से रिमूव कर दूंगी, खाली इसका फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और इन वेजिटेबल की जगह मैं इसमें क्यूकम्बर लगा दूंगी क्योंकि बच्चे वो बहुत शौक से खाते हैं। तो क्यूकम्बर को हमने पकाना नहीं होता इसलिए मैंने अभी नहीं लगाया है इसमें। इन वेजीज को मैं दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर लूंगी और मैं तो खा लेती हूँ राइस के साथ अगर ऐसी स्टिक्स बनाऊँ उसमें वेजिटेबल्स, मगर बच्चे लंच में नहीं खाएंगे। मगर इसका फ्लेवर आ गया है इसमें तो ये बहुत ही मज़े की बन के रेडी होंगी। आप लोगों ने ज़रूर इसे ट्राई करना है। और अगर बच्चे लंच में नहीं खाते कोई चीज़ तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बना के दें तो फिर आप देखें कि आपके बच्चों का टिफ़िन बॉक्स बिल्कुल एम्प्टी आएगा और माएँ बहुत खुश हो जाती हैं जब बच्चा खा लेता है। बस मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी मज़ेदार हमारी स्टिक्स रेडी हैं, टिक्का स्टिक्स। तो आपने ज़रूर ये बनानी है और बच्चों को खिलानी है। साथ में मैंने मैक्रोनी भी बना ली है जो लंच में देनी है, मगर मैं ऐसा मैक्रोनी वाला लंच मैं रोज़ रोज़ नहीं देती, वीक में सिर्फ वन टाइम। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर न्यू है तो, और दोस्तों में भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।